खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और वहां के कई लोगों को या तो जबरन अगवा किया गया या फिर उन्हें कहीं गायब करवा दिया गया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में बलूचिस्तान से कुछ महिलाओं के गायब होने का भी जिक्र है। मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे ज्यादा घटनाएं बलूचिस्तान के डेरा बुगती और अवारा जिलों में हुई। रिपोर्ट में इस सच से भी पर्दा उठाया गया कि बलूचिस्तान में हिंदू और ईसाई समुदाय के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आज हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। आज हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला समेत कई दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में आज सीएम देवेंद्र फडणवीस अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने फडणवीस के सामने आशीष देशमुख को मैदान में उतारा है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला, जिस पर बीजेपी भड़क गई। ओवैसी एक दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चुनावी रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया था। मिस्टर मोदी और उनके होम मिनिस्टर बार बार बोल रहे एनआरसी ला दो, एनआरसी ला दो। आप साफ होंगे जरूर, मगर संविधान बादशाह, संविधान बादशाह। बीजेपी ने भी बिना देरी किए ओवैसी पर पलटवार किया। इसका विरोध क्यों, ममता जी या ओवैसी साहब ये सब कर रहे हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि देश में कौन हमारे नागरिक है उसकी जानकारी मिले? क्या इस देश में सारे घुसपैठी जबरदस्ती रहने चाहिए? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहे जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर वार करते हुए कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के फादर हो सकते हैं, भारत के नहीं। अमेरिका गए थे अभी न्यूयॉर्क में, जब उसमें ट्रंप ने कहा था कि फादर ऑफ इंडिया, शायद अमेरिका के लिए हो सकते, हम लोगों के लिए नहीं है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिए आरएसएस वाले बयान पर जबानी जंग शुरू हो गई। एक दिन पहले सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया था और बीजेपी पर महात्मा गांधी के बजाय आरएसएस को तरजीह देने का आरोप लगाया था। वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं, बल्कि आरएसएस भारत का प्रतीक बन जाए। सोनिया गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दे डाली। इन्हें जो है वो सकारात्मक रचनात्मक सियासत और सकारात्मक रचनात्मक राजनीति का रास्ता चुनना चाहिए। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने तो कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की आज जो दुर्दशा हुई है, उसके लिए कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व भी जिम्मेदार है, उन्हें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। वहीं जब सोनिया गांधी पर हमला बढ़ा तो कांग्रेस के दूसरे नेता उनके बचाव में उतर आए। सोनिया जी ने जो कल कहा बिल्कुल सही कहा है, जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आरएसएस की विचारधारा है और आरएसएस की विचारधारा गांधी विचारधारा को नहीं मानती है। यूपी विधानसभा के लगातार 36 घंटे तक चले सत्र के खत्म होने पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सत्र से विपक्ष के बहिष्कार के बहाने कांग्रेस को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि जिनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक परिवार और सत्ता का मतलब लूटना, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग चर्चा से हमेशा भागे हैं, लोकतंत्र का मायना ही जिनके लिए परिवार था, सत्ता का मतलब ही जिनके लिए लूट खसोट था, ये लोग आज फिर से लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं।